हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और समय हो चुका है सुबह का। सुबह अब वही है ना कि सर्दी शुरू हो चुकी है, तो सुबह क्या टाइम तो हो चुका है, 9 बजे का। 9 बज चुके हैं और चाय वगैरह बहुत बार पी चुके हैं, यानी कि 4 बार चाय बन चुकी है। और चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था ऊपर, आपको परात दिखाई दे रही होगी। और फिर मैं यहाँ पे लगी थी सब्जी छोकने, सब्जी बना रही थी मैं आलू और गोभी की। तो कल मैंने बनाई थी सूखी लाल मिर्च की चटनी, तो वो मेरी बची हुई थी। ऑलमोस्ट चटनी बच ही जाती है मेरी, क्योंकि मैं बनाती भी कुछ ज़्यादा ही हूँ। और फिर उसको मैं गर्म करके थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल के, और जो कुछ भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसके अंदर डाल लेती हूँ। तो एक तो उससे होता ही है कि कलर बहुत अच्छा आता है, और तीखी ये है ही नहीं बिल्कुल भी, तो कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है और थोड़ी सी टेस्टी भी ज़्यादा ही हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने छोंकचा डाल लिया था, जीरे का छोंक लगाया था, प्याज वगैरह मैंने बंद, अब शायद 15-20 दिन से प्याज तो बंद ही कर दिए, क्योंकि लेके भी नहीं आए थे। और प्याज हम शुरुआत में ही एक बार गिरवा लेते हैं, 2 से 3 कट्टे, तो अब की बार पता नहीं मैं से 2 कट्टे गिरवाए थे लेकिन हो चुके हैं ख़त्म, तो और लेके नहीं आई थी, कुछ महंगा कुछ बस ऐसे ही। तो अकेले जीरे में ही काम चला रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे 2 टमाटर काट के रखे थे बिल्कुल बारीक बारीक, वो काट लिए थे। और फिर डाल दी थी चटनी मैंने उसके अंदर, जो लाल मिर्च की थी वो थोड़ी सी गरम करके। और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए थे गोभी और आलू, उनको मैंने मोटा मोटा सा कट करके रखा था। ये बना रही थी मैं सूखी सब्ज़ी, बिल्कुल अचारी सब्ज़ी, यानी कि बिल्कुल सूखी। और कभी कभी अगर इनको पहले फ्राई करके बना लेती हूँ तो वो भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है, लेकिन उसमें वही है कि ताम दाम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी तैयार है, दही, दही के अंदर जीरा भुना हुआ और काला नमक। और फिर वो सब काम निपटाने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेके आने के लिए, और कुछ पिंटू की 2 बुक लेके आनी थी। तो बहुत दूर है वो दुकान जहाँ से हमने ये लेके आनी थी उसकी बुक, तो वो बुक शॉप बिल्कुल बाज़ार से बाहर जाके है। तो ये समझो कि 2 से 2.5 घंटे बाज़ार में वेस्ट करने के बाद फिर मैं घर आई, तब तक से मैं हो चुका था 4 बजे का। और 4 बजे नीशू यहाँ पे लगी हुई थी अपनी कार्रवाई करने, क्योंकि भैया बच्चों को भूख लगती है तो फिर वो मम्मी को बोलते हैं कि खाने के लिए कुछ, और मम्मी थी नहीं तो नीशू थी घर पे, मैं और पिंटू गए हुए थे मार्केट। तो नीशू को ये काम आता है कि घर में जो कुछ चीज़ रखी होती है तो उसको वो फटाफट से तैयार कर लेती है। तो गोलगप्पे रखे हुए थे तो फटाफट से उसने, बस क्या था इनको फ्राई करना था, और पानी, जो पानी पूरी का जो मसाला होता है वो घर पे था ही रेडीमेड, तो उसने फटाफट से तैयार किया और बस। किसकी है ये दवाई चुटकू, किसकी है ये? वहां पे रख दो, रख दो बेटा, उसमें रखो तो फिर। नहीं, नहीं, बेबी कहाँ है बेबी? ओ चुटकू कहाँ पे है? चुटकू कहाँ पे है? चुटकू इसमें क्या करेगा? चुटकू, चुटकू तो ये ला, कहाँ पे है चुटकू? चुटकू आज सोना सोना नहीं करना। नीनी नहीं आई? नहीं आई? कैसे सोता है चुटकू? कैसे कैसे? वो चुटकू रोता कैसे है? ये दवाई रख दे बेटा, रख दे बेटा। ये किसकी है? ये नानी की। नानी की? तो नानी को दे दो, नानी को दे दो। ले मेरे को दो, ले ओड बड़ा चुटकू, ओड बड़ा भाई। दवाई भी दे, नानी को खानी है दवाई। खा ले, खा ले। कैसे खाएं? अच्छे। कैसी है ये? अच्छी नहीं है, गन्नी है ये, गंदी। नहीं खाएंगे, गंदी है ये। यो पाके।
ये वहां पे रख दे, वहां पे रख रख क्या उस पे, इसको भी रखो, इसको वहां पे रखो, वहां पे रखो, रखो रखो। ओहो निकालना निकालना मत चुटकू, नहीं नहीं बिट्टू नहीं, वहां पे रख दो इसको। डोगी 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 ऊपर छोटो डोगी, डोगी डोगी छोटो 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 जल्दी, अब नहीं चढ़ सकता। चुटकू छोटा है, छोटा कैसा है चुटकू, चुटकू कैसा है? अरे मारेगी नानी, मारेगी मामू की, ये मामू पिट्टी कर देगा। कैसे करता है मामू पिट्टी चुटकू के? निशु को बोलो, निशु को बोलो, क्योंकि निशु नहीं, नहीं है, कहाँ गई? क्या क्या दवाई, क्या करेगा दवाई का? उधर रख देगा, पक्का 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 तो रखो। मामू की है ये। ओहो रख दिया, ये क्या है? चार्ज। अच्छा किसका है ये चार्ज? क्या यहाँ पे वो है चुई? मिसवाल मारी मैं देता हूँ तेरी। हाँ बिट्टू नहीं है, अंदर है। ये क्या है चुटकू? ये नोजी को पकड़ देगी चुटकू की। रख दो वापिस। क्या है ये? ईयर को पकड़ेगी चुटकू के, ईयर को पकड़ेगी चुटकू के, ईयर को पकड़ेगी। लाओ मैं पकड़वाऊ। डाल दिया, डाल दिया तो वापिस रख दो फिर इसको, वापिस रख क्या अंदर, ऐसे नहीं, बिल्कुल ढील, बिल्कुल ढीली लग गया, लग गया, रख दे वापिस, रख क्या उसको, निकाल लिया चुटकू, वापिस लगाओ तो वापिस। लग गया वापिस। डोगी 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 क्या करेगा? काट लेगा। क्या करेगा डोगी चुटकू? ऊपर 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 ऊपर। निशु का बोलो, निशु ऊपर। और फिर ये क्लिप अगले दिन सुबह की शाम तक मैं कुछ भी नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे को चक्की वगैरह चलानी थी तो ये काम बहुत ज़्यादा था मेरा, तो बस उसी काम में उलझी रही। और फिर यहाँ पे सुबह बना ली थी मैंने कढ़ी, क्योंकि मेसी रोटी बनाने वाली थी मैं, लेकिन कल जो मैं सब्जी लेके आई थी उसके अंदर मैं लेके आई थी मेथी, तो शाम को वो माँ ने काट के रख दी थी बारीक बारीक सी, तो फिर मैं उसका थोड़ा सा यही सोचा कि दो चार पराठे बना दूँगी, क्योंकि हर बच्चा नहीं खाता। मिक्सी में अगर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के उसका मैं डालती हूँ तो उसका कलर तो हरा हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं खाते। हाँ आलू के पराठे खा लेते हैं अगर इसके अंदर धनिया पत्ती हो, या फिर मेथी हो, पालक हो, या फिर मूली के पत्ते हो, यानी हरी चीज़ कुछ भी दिख जाए तो बच्चे नहीं खाते। तो बस मैं चार पाँच या छः पराठे बनाऊँगी, वही अगर किसी का मन करे तो खाए। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा आटा ले लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने डाल दिया था जीरा पाउडर था मेरे पास भुना हुआ जो रेडीमेड आता है वो वाला, और नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, चाट मसाला और थोड़ी सी अजवाइन, ये सब डाल के। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल लिया था, कच्चा दूध था, और उसके अंदर डाल ली थी मैंने 2 चम्मच भर के मलाई। तो अब मैं इस दूध से इसका मैं फिर आटा लगा लूँगी। यहाँ पे मेथी मैंने थोड़ी सी मिक्सी में चला के रखी हुई थी, ज़्यादा फाइन पेस्ट इसका मैंने नहीं बनाया था, हल्के हल्के से पत्ते दिखाई दे रहे थे इसके अंदर।
तो पहले इसके अंदर मैं मेथी डाल के उसको अच्छे से गूथ लूँगी, फिर जो पानी की जो कमी मेरे को लगेगी कि हाँ इसके अंदर और जाएगा पानी, तो फिर पानी की जगह पे यहाँ पे मैं वो दूध डाल दूँगी जिसके अंदर मैंने मलाई मिला के रखी हुई थी। तो हल्का हल्का सा गुनगुना कर लिया था मैंने, तो यहाँ पे आटा मेरे को थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सूखा आटा और ऐड कर लिया था, थोड़ा भी नहीं यानी कि वो थोड़ा सा ये हो भी गया था, थोड़ा सा ज़्यादा था पानी उसके अंदर जो मेथी मैंने पीस के रखी हुई थी उसके अंदर। और एक कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे दूध लिया था, तो वो दूध मेरा ऑलमोस्ट सारा ही इसके अंदर यूज़ हो जाएगा। दूध से और मलाई से आटा गूंथने से होता है कि बिल्कुल नरम नरम से पराठे बन के तैयार होते हैं, और जो हम मोइन डालते हैं इसके अंदर आटे के अंदर, तो तब जैसा इसके अंदर टेस्ट आता है बिल्कुल सेम वैसा ही आता है। दूध से आटा लगाती हूँ मैं तो उसके अंदर फिर मैं वो मोइन नहीं डालती, अगर पानी से अगर मैं आटा लगाऊंगी तो उसके अंदर मैं मोइन डालती हूँ, तो बहुत ही अच्छे पराठे बन के तैयार होते हैं। एक बार आप इस तरह से दूध से आटा गूँथ के और बना के देखना। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे 6 या 7 पराठे बन के मेरे तैयार हुए थे, और बाकी बनाई थी रोटियाँ क्योंकि मैंने बताया था कि यार बच्चा नहीं खाता, तो और बाहर लगा रखी है मैंने मशीन, बीच बीच में वहाँ उनको भी संभाल रही थी, कपड़े हो चुके थे मेरे 3 दिन के, और आज थोड़ी सी धूप भी हल्की है तो देखते हैं शाम तक अगर सूख जाएंगे तो प्रेस होगी वरना नहीं होगी। 10 बज चुके हैं और दिन भी अब होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, फटाफट से ही जाते हैं, तो पूरा दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए पराठे तैयार, आम का अचार और दही मेथी के पराठे, सुबह सुबह सर्दी में यही है। तो यहाँ पे बस काम मेरा हो चुका था सारा, झाड़ू पोछा हो चुका था पहले ही, और थोड़ा सा बाजरा निकाल के मैंने बाहर रखा हुआ था क्योंकि बाजरा का मैं आटा पीसने वाली थी, क्योंकि अब सर्दी शुरू हो चुकी है तो अभी चलेंगी बाजरा की रोटियाँ, तो उससे पहले मेरे जो कपड़े सूख चुके थे उनको मैं उतार लूँगी, क्योंकि मेरा जो ये हमारा ये चौक है इसमें थोड़े से ही टाइम के लिए धूप आती है, तो बस अब आगे आगे यही दिक्कत होगी कि पूरे एक दिन में कपड़े नहीं सूखेंगे। छत के ऊपर मैंने अभी कोई रस्सी वगैरह नहीं बांध रखी है, तो फिर तो यह है कि पूरे छत के ऊपर तो पूरे दिन धूप रहती है तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। अब ये कि नहीं मैं छाट छाट के उतार लूँगी, और एक बार करूँगी मैं बाजरा साफ़, यानी बाजरा का पीसना करना था मेरे को अभी, और फिर करूँगी मैं प्रेस। चाय वगैरह पी ली थी 2 बार, और सुबह सुबह पौधों में पानी भी दिया था, पानी का भी अब ये हो चुका है कि सर्दी शुरू हो चुकी है तो बस 2 दिन में या 3 दिन में मैं एक बार पानी देती हूँ, तो हर रोज़ पानी, एक काम ये थोड़ा सा कमी हो चुका है मेरा, तो आज सुबह पानी आया तो उसी टाइम कपड़े वगैरह धो लिए थे और पौधों में पानी वगैरह का भी काम मैंने कर लिया था मक्की। तो बस इस साइड जो कपड़े थे गैलरी में मेरे बहुत सारे सूख चुके थे, और साथ साथ में कर लूँगी मैं प्रेस, क्योंकि प्रेस का वही होता है कि अगर इनको अगर मैं उठा के रख दूँगी और कल के ऊपर छोड़ूँगी तो ये इतनी सिलवटें हो जाएंगे इनके अंदर कि अब जिस इस जो एक जोड़ी कपड़े में जो मेरे को लगेंगी 2-4 मिनट तो कल वो 10 लगेंगी। तो मैं यही करती हूँ, कोई बड़ी भारी मजबूरी हो तो छोड़ सकती हूँ, वरना जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ मैं प्रेस उसी दिन करने की सोचती हूँ, इसके अलावा चाहे और कोई काम मेरे को मिस करना पड़े। तो प्रेस करने की तैयारी फुल मेरी यहाँ पे हो चुकी है, पास में मैं रख लेती हूँ फ़ोन क्योंकि मैं ऐसे चुपचाप भी बैठ के नहीं रह सकती, तो साथ साथ में भजन वगैरह चलते रहेंगे फ़ोन में मेरे और प्रेस होती रहेगी। सब्जी वगैरह पास में ला के रख दी थी नीशू ने, तो वो काट लेगी सब्जी क्योंकि समय हो चुका 4:30 बजे का, तो अब इतना कि फटाफट से दिन चला ही जाएगा। तो मैं कर लेती हूँ प्रेस और यहीं पे कर देती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।